कल खतरों के खिलाड़ी के सेट पर हुआ था इलेक्ट्रिक केज टास्क। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक डॉल टास्क हुआ था। जी हाँ, जिसमें श्वेता तिवारी और अर्जुन बिजलानी टीम अप थे और उनके सामने अभिनव शुक्ला और अनुष्का सेन टीम अप थे। और अब दोस्तों ये खबर आई कि अब जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक केज टास्क हुआ, जिसमें फिर एक बार अर्जुन बिजलानी को चुना गया और उनके साथ उनकी टीम में उनका साथ दिया महक चहल ने। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि राहुल वैद्य दूसरी टीम के मेंबर थे और राहुल वैद्य के साथ गेस्ट व्हाट कौन था? विशाल आदित्य सिंह। जी हाँ दोस्तों, जिस कंटेस्टेंट के एलिमिनेट होने की खबरें सामने आ रही थी, अब ऐसा सुनने में आ रहा है, जो खबरी है खतरों के खिलाड़ी के जो सोशल मीडिया पर अक्सर न्यूज देते हैं, अपडेट्स देते हैं, उनके मुताबिक अगर मैं बात करूं, उनके वीडियो को देखने के बाद ये सामने आया कि विशाल आदित्य सिंह जो है वो वाइल्ड कार्ड के रूप में उन्हें फिर एक बार शो में लिया गया। और इसी वजह से कल जो इलेक्ट्रिक केज टास्क हुआ उसमें अर्जुन महक के सामने थे राहुल वैद्य और विशाल आदित्य सिंह। टास्क बेसिकली ये था कि फियर फंदा था सबके हाथ में, क्योंकि ये डेंजर जोन वाला टास्क था, इसलिए तो उसमें से एक इलेक्ट्रिक केज होता है दोनों टीम मेंबर्स के बीच, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है आपको अगर आपका हाथ जो है वहां पर या आपकी उंगलियां जो है वहां पर टच करती हैं। और अब ऐसे में दोस्तों बात यह है कि उन्हें अपना फियर फंदा जो है उस केज के जरिए निकालना है, लेकिन आपका जो हाथ है यानी कोई भी फिजिकल पार्ट जो है वो केज को टच नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो फिर आपको करंट लगेगा। जी हाँ, तो इसी तरह का कुछ टास्क था। और आपको बता दें कि इसके जो विनर और लूजर के बीच का जो टाइम डिफरेंस था वो भी बहुत कम था, तकरीबन 80 सेकेंड या कुछ जितना कुछ टाइम डिफरेंस रहा। और ऐसे में दोस्तों जो विनर का नाम सामने आ रहा है, जिस वीडियो को खबरी के जिस वीडियो को देखते हुए मैं बता रही हूँ, के खबरी, ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन और महक की टीम जो है वो जीत गई है और राहुल और विशाल की टीम जो है वो डेंजर जोन में आ गई है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले दो दिनों से राहुल वैद्य एलिमिनेटेड विद अ क्वेश्चन मार्क, ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं। तो ऐसे में राहुल और विशाल का डेंजर जोन में आना ज्यादा पॉसिबल है, मुमकिन है। क्या सोचते हैं इस पर आप कमेंट जरूर करें।